हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन अल्टीमेट जर्नीज के एपिसोड 25 के बारे में बात और पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 115 के बारे में बात। एक्चुअली हम दोबारा सेलिब्रेट कर रहे हैं पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप को और ये तो वो एपिसोड है जहाँ से शुरू हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैंने इस एपिसोड को दोबारा देखा, वो भी एक अलग नज़रिए से और एक अलग पर्सपेक्टिव से, और मुझे बहुत सारी डिटेल्स मिली जो कि हमें पहले पता नहीं थी, लेकिन अब पता है तो हमें भी वो जाननी चाहिए। और ऐलान की बेइज्जती का भरपूर स्वाद हमको इस में देखने को मिला। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, बहुत सारे पोकेमोन ट्रेनर्स, कैरेक्टर्स और पोकेमोन हमको काफी लंबे अरसे के बाद इस एपिसोड में देखने को मिले। फॉर एग्जांपल मालामार पोकेमोन, इसको हमने आखिरी बार देखा था 293 एपिसोड पहले, वो भी वाटर सेट मोमेंट के एपिसोड के अंदर। और रही बात पोकेमोन कैरेक्टर्स की, जैसे कि प्रोफेसर सिकामोर, मारिन, स्टीवन स्टोन और ऐलान को हमने आखिरी बार देखा था 261 एपिसोड पहले, वो भी टिल वी कंप्लीट अगेन के एपिसोड के अंदर। लेकिन सबसे लंबे अरसे के बाद मेरी प्यारी डायंथा को मैंने देखा, इसको हमने आखिरी बार देखा था 265 एपिसोड पहले, फॉर्मिंग ए मोर परफेक्ट यूनियन के एपिसोड के अंदर। ये तो थी कुछ प्रॉपर डाटा फैक्ट डिटेल, लेकिन यहां पे हमको एक और बात पता चलती है कि सारे के सारे चैंपियन एक दूसरे से पहली बार इसी एपिसोड में मिले। और सबसे इंपॉर्टेंटली आयरिस इस एपिसोड के आते आते हर एक चैंपियन से मिल चुकी है एक्सेप्ट फॉर्मर होविन चैंपियन वेलेस से। और हाँ, इस एपिसोड में हमको यार पोकेमोन एक्सवाई सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक को भी रीयूज होते हुए दिखाया गया एज ए प्रॉपर कट्टर केलोस फैन। मुझे ये बात काफी अच्छी लगी। और हाँ, केलोस फैन से मुझे याद आया, इस एपिसोड में हमको सबसे पहली बार ऐलान को ऑन स्क्रीन हारता हुआ दिखाया गया पोकेमोन मेगा एवोल्यूशन स्पेशल पार्ट 1 एपिसोड के बाद। हमने ऐलान को सबसे पहले हारते हुए देखा इलाइट 4 साइबोल्ड के ब्लास्टोइस से, और ठीक उसके बाद हमको इस एपिसोड में ऐलान को हारता हुआ दिखाया गया अगेन केंटो के एक स्टार्टर पोकेमोन चाइजार्ड के सामने। बता रहा हूँ ऐलान, तूने भले ही एस को हराकर केंटो का यार किलर बन गया था, लेकिन यहाँ पे केंटो के स्टार्टर से तो जीत नहीं पाएगा, बता रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, केंटो से मुझे याद आया कि भाई साहब यार, केंटो का स्टार्टर पोकेमोन को यूज करने वाला लियोन को भी हमको पहली बार हारता हुआ यहाँ पे दिखाया गया। मतलब उसको हमने कभी भी उसके पोकेमोन को हारता हुआ नहीं देखा, इस एपिसोड में पहली बार उसका पोकेमोन हारा, जो कि मेरे लिए पर्सनली काफी शॉकिंग था। लेकिन यहाँ पे यार एपिसोड को उन्होंने ज्यादा ही रस कर दिया। मतलब भाई ये वो एपिसोड था जहां से यार वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी और ऐलान मास्टर 8 में आया है, उसको इतना जल्दी हराना नहीं चाहिए था। हाँ मानता हूं ऐलान बाकी ट्रेनर के कंपैरिजन में थोड़ा वीक है, लेकिन वो मास्टर 8 में आया है, उसको इतनी बड़ी बेइज्जती देना संभव नहीं है। भाई यार वो केलोस में कितना ओवरपावर था और यहां पे वो कितना अंडररेटेड हो गया, तुम सोच सकते हो पोकेमोन पावर लेवल, पोकेमोन की पावर डायनेमिक कितनी हिली हुई है। और पावर डायनेमिक से मुझे याद आया इंग्लिश डब में भी इन्होंने काफी बड़ा ब्लंडर कर दिया था, जैसे कि आयरिस को इन्होंने इंग्लिश डब में ड्रैगन मास्टर के इंट्रोड्यूस कराया। भाई आयरिस का पूरा कैरेक्टर इन्होंने बदल दिया, बल्कि ओरिजिनल वर्जन में आयरिस को एस्पायरिंग ड्रैगन मास्टर के इंट्रोड्यूस कराया गया। इसलिए बोलता हूँ पोकेमोन की रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जापानीज वर्जन ही देखा करो, और मैं वैसा ही करता हूँ। एंड डेफिनेटली ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन पोकेमोन के इस एपिसोड से, लेकिन फ्रेम बाई फ्रेम डिटेल जो मुझे मिली है ना, वो तुम्हें मैं पार्ट 2 में बताएगा। उसके लिए कर दो लाइक। टाटा बाय बाय।